बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय जीपी। लुक टू द डिफिनीशन। सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक इफ द रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ये नीचे वाला जो रेशो है, ये वी सी रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, and this ratio is all will always be equal to r. So any sequence satisfying this property is called geometric sequence denoted by r. Our r is the common ratio. This r is called common ratio of the series. This is a geometric, this will be the geometric sequence if all these terms satisfying the same common ratio. So we have to remember about geometric sequence that it will have the same value for the ratio of any of its two consecutive terms. Now looking to the slide here, we see again about geometric sequence, geometric progression GP. A sequence whose ratio between any two consecutive term is same is called a GP. अब यहाँ जो है ये a, it is a one, this ar is a two, this ar square is a three, this ar cube is a four. अब now looking to this term, this term lies at third position, so it is a three. It is a three. Third term मालूम करने के लिए r के ऊपर two है. अब ये वाला जो term है, ये वाला, अब ये कौन सा है, n minus one. तो ये जो term है, ये हमारे साथ, हमारे पास होगा n term. तो जो भी टर्म होगा उसके ये जो वैल्यू होगी आर की पावर, उससे एक अदद कम होगी. दिस इज ए वन, दिस इज ए वन आर स्क्वायर, ए वन आर क्यूब और ए एन आर पावर एन माइनस वन. सो वी हैव टू रिमेम्बर इन टर्म ऑफ अ जी पी एज ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन. ये इन टर्म फार्मूला हमें हर सूरत में याद रखना होगा. This term is a one. It is on first position, second position, third position. The term lying at third position, the common ratio will have the power one less than the given term. It is third term, so here the power of r will be two. This thing represent the inner term. So remember this formula. Now we come to the exercise 4.5. This is 4.5. Write the first five terms of a GP given that. अब अगर हमारे पास first term भी हो, common ratio भी हो, और हमने मालूम करना है first five term, तो first five term मालूम करने के लिए जो first term है a already हमारे पास है, सेकंड टर्म ए वन, ए टू मालूम करने के लिए ए आर इस्तेमाल करेंगे, ए थ्री मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ए फोर इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो वैल्यूज़ है, हर सीक्वेंस का जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ एवरी सीक्वेंस विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. दिस इज फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन, सो फॉर द रिमेनिंग टर्म वी विल टेक एन इज इक्वल टू टू अप टू फाइव एंड पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला. Here we have value of a one, value of r. By putting n is equal to two up to five, these are the putting, and after simplification, we get the required sequence. This sequence is a geometric sequence. 15 divided by five is equal to three. 45 divided by 15 is equal to three. X of 35 divided by 35 is equal to three. So here the ratio of any two consecutive term is 3, so it is a geometric sequence. Geometric mean, जिस तरह हमने geometric arithmetic mean पढ़ा था, mean
चाहे वो एरिथमेटिक सीक्वेंस का हो या ज्योमेट्रिक का हो, मीन का मतलब है कि ये दो टर्म के दरमियान में एक टर्म को ज़ाहिर करता है। एरिथमेटिक मीन को हमने मालूम किया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ए अगर फर्स्ट टर्म हो, बी सेकंड टर्म हो, तो ए और बी के दरमियान में जो टर्म होता है उसको हम ए प्लस बी डिवाइड बाई टू से मालूम करते हैं। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन में भी ए और बी के दरमियान में जो टर्म मौजूद होता है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो अब देख ले, इफ़ ए जी बी इज़ अ जी पी, इफ़ ए जी बी इज़ अ जी पी देन जी इज कार ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हो, सेकंड टर्म बी हो, तो ए और बी अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से ताल्लुक़ रखते हों, तो उसका मिडल टर्म जी हम किस तरह मालूम करेंगे? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका डिफिनीशन ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होगा जी डिवाइड बाई ए। दिस इज़ ए टू, दिस इज़ ए वन, सो जी ओवर ए विल बी इक्वल टू बी ओवर जी। दिस इज़ बी, दिस इज़ जी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, दिस इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइंग टेकिंग स्क्वेयर रूट, जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए बी अंडर रूट। तो ये फार्मूला याद रखना होगा कि ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए ए बी अंडर रूट। अब यहाँ हमने स्क्वेयर रूट लगाया, प्लस माइनस बी लगाया। इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, देन वी विल टेक पॉजिटिव साइन। तो फिर हम क्या करेंगे? देन वी विल टेक पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव हो, देन वी विल टेक नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है जी इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट, अगर ए और बी पॉजिटिव हो तो प्लस लेंगे, अगर नेगेटिव तो माइनस लेंगे। अब नीचे एक्सरसाइज को देखें, 4.6 फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ हमारे पास ए बी है, ये ए है और ये बी है, इसको ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे पुट करेंगे और प्लस साइन लगाएंगे। इस तरह ये माइनस, ये माइनस 216, ये दोनों नेगेटिव है तो इसी फार्मूले के साथ हम माइनस लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों हम अंडर रूट के नीचे लगाएंगे और इसके साथ प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं। अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? यह जी एम मालूम करने के लिए, जी एम मालूम करने के लिए ए और बी की वैल्यूज, वी सी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन। वी हैव टेकन द फार्मूला विद पॉजिटिव साइन। अब यहाँ ये दोनों नेगेटिव है तो कैलकुलेशन के बाद ये जो रिज़ल्ट आ गया है, इसको नेगेटिव यहाँ पे लिया गया है क्योंकि इसकी ए और बी दोनों नेगेटिव। अब ये देख ले, इसको अगर हम पुटिंग करें तो जी इज इक्वल टू प्लस आर माइनस। अब ये कुछ ज़्यादा वाजी नहीं तो लिहाजा प्लस माइनस इसके साथ हम रख सकते हैं। अब ये दोनों है, प्लस माइनस है, तो अगर इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाए तो आयोटा फॉर्म में आ गया। और ये जो नंबर है, ये एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसके दरमियान में जो टर्म हमने मालूम करना था वो हमारे साथ डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि आयोटा फॉर्म में आ गया और यहाँ पे आयोटा मौजूद नहीं है। अब देखिए आंसर टू ज्योमेट्रिक मीन, आंसर टू ज्योमेट्रिक मीन। अब दो ज्योमेट्रिक मीन को अगर हमने इंसर्ट करना है, अब नीचे हम देखते हैं, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स, यहाँ पे इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स, लेट जी वन जी टू बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन थ्री अंडर रूट एंड थ्री। अब ये देखिए, ये थ्री अंडर रूट ए है और ये थ्री हमारे साथ बी है, तो ये जी वन जी टू इंसर्ट हो गए हैं। अब ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है। अब ये ए टू, एक्चुअली इट इज़ ए टू, ए टू हमारे साथ पास होता है ए वन आर, तो ये जी वन हमारे पास आ गया, जी वन इज इक्वल टू ए वन आर। अब ये थर्ड टर्म है, जी टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ए वन आर स्क्वेयर। तो ए वन की कीमत भी मालूम है और आर की भी मालूम है, तो सिंप्लीफिकेशन। अब ये देख ले, ए इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन,
जब हम इसमें चार लगाएंगे तो ये आता है, और ए फोर। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये थ्री जो है ये फोर टर्म है, तो यहाँ पुटिंग करने से हमारा मकसद वैल्यू ऑफ आर मालूम करना है। तो वैल्यू ऑफ आर आप देखें ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन्स थी अब यहाँ ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ये हमारे पास ये जो फोर ज्योमेट्रिक मीन है इनको हम इंसर्ट करते हैं माइनस एट और एक बटा चार के दरमियान। अब ये ए वन है माइनस एट, और सेक्स टर्म जो इफ़ यू लुक टू द सीक्वेंस, सेक्स टर्म इज़ वन ओवर फोर। दिस इज़ द फार्मूला पुटिंग द वैल्यू ए एन, एन इज इक्वल टू सेक्स। तो अगर हम यहाँ पुटिंग करें और कुछ सिंप्लीफिकेशन करिए, माइनस एट चार के साथ आएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन आसान है, तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वन ओवर माइनस वन ओवर टू आ गया। अब ये जी वन है, ये एक्चुअली सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म ए वन आर के बराबर होता है, और ये ए टू इज इक्वल टू ए वन आर, यहाँ ए टू है, ए टू इज इक्वल टू ए वन आर, तो वही ए टू हमें जी वन देता है। अब अगर हम पुटिंग करें तो चार आएगा। अब ये जो ए वन आर स्क्वेयर है ये असल में थर्ड टर्म के लिए है, ए वन आर स्क्वेयर थर्ड के लिए, लेकिन थर्ड की ए थ्री की बजाय जी टू है, तो लिहाजा इसी को इस्तेमाल करते हुए हमें सेकंड ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा माइनस, ये जो है ये माइनस टू, ये माइनस टू हमारे पास सेकंड है। अभी ये जी थ्री है, ये असल में इसी तीन को देखते हुए हमें पता चलता है कि ये फोर टर्म, लेकिन फोर टर्म जो है वो जी फोर है, फोर ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ जब हम पुटिंग करेंगे, व्हेन वी पुट वैल्यूज वी विल गेट द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन एंड पार फोर्थ। दिस फार्मूला रिप्रेजेंट फिफ्थ टर्म, दिस जी फोर इज फिफ्थ टर्म, वन टू थ्री फोर फाइव, जी फोर इज फिफ्थ टर्म। टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म वी टेक दिस फार्मूला बाई पुटिंग द वैल्यूज, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फोर ज्योमेट्रिक मीन। ये अब हमारा हमने जो मालूम करना था ये हमारे साथ वो मतलूबा वैल्यूज हैं। अब यहाँ एक एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ ले। अब फाइंड टू नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 48। ये जो 48 है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 48। अगर हमारे पास दो नंबर्स हो ए और बी, तो दोनों का डिफरेंस 48 है, यहाँ पे वो हमें बताया गया है। एंड देयर ए एम एक्सीड्स देयर जी एम बाई 18। अब ये ए एम है, ये ए एम जी एम से कितना बड़ा है, 18। ए एम एक्सीड्स जी एम बाई 18। तो ये दो रिजल्ट्स क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें मिले हैं। एरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये दो फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। अब अगर हम ए एम की कीमत पुट करें, जी एम की पुट करें, और दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई करें, कुछ कैलकुलेशन करें, तो ये बी हमें मिलेगा, ये बी हमें मिलेगा। अब इसी बी की कीमत को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ बी अगर हम पुट करेंगे वन और वन को ट्रांसपोज करें, तो ये ए हमारे पास नेक्स्ट में 48 आएगा। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में ये हमारे पास डिटेल है। ज्योमेट्रिक सीरीज जिस तरह एक एरिथमेटिक सीक्वेंस को हम समेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो ज्योमेट्रिक एरिथमेटिक सीरीज बनता है, इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जब हम समेशन में लिखते हैं तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है। तो यहाँ पे आप देख ले ये वाला, अभी ये जो है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। When we write the sum of the terms of a GP in summation form, we get geometric series. अब ये जो फार्मूला हमने याद रखना है,
ये एस एन का मतलब है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, और ये ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यूज यहाँ पे हैं। अगर इस पे हम कैलकुलेशन करें तो एक ये फार्मूला आता है। अगर यहाँ से और नीचे से हम माइनस निकाल दें, वो कैंसिल होगा, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ये वाला आता है। अब ये दो फार्मूले एक्चुअली सेम है, लेकिन हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज के कॉमन रेशो को देखेंगे। अगर कॉमन रेशो आर वन से छोटा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर कॉमन रेशो वन से बड़ा हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए 4.7, कंप्यूट द सम, तो ये समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड भी है, ये लास्ट भी है। अब अगर इसको हम देख ले, ए एन इज इक्वल टू दिस, दिस इज द फार्मूला फॉर एनी टर्म ऑफ जी पी, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, और ए एन लास्ट, ये जो लास्ट है ये एनी टर्म है। अब वो कॉमन रेशो जब हम मालूम करेंगे तो इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ए टू डिवाइड बाई ए वन। जब हम यहाँ 6, 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो 2 आ गया, जो 1 से बड़ा है, लिहाजा ये नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब ये फार्मूला, ये तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब ए एन इज ए वन आर पावर एन माइनस वन, जब इसमें हम पुटिंग करें, ये ए एन जो है ये एक्चुअली हमारे पास ये दिस टर्म इज ए एन, तो ये कीमत हमने पुट की, ए एन की कीमत पुट हो गई अभी ए वन की और आर की। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एन इज इक्वल टू 10। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम लेंगे, इसी फार्मूले को, इस वजह से हमने लिया, यहाँ पे आर 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, अगर ये कंडीशन हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब ए वन आर सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ 10 टर्म्स आएगा, समेशन ऑफ 10 टर्म्स आएगा। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, 8 + 4 + 2 + 1, तो इसको जब हम हल करेंगे तो फर्स्ट टर्म भी नज़र आ रहा है, सेकंड भी नज़र आ रहा है, एनर टर्म भी नज़र आ रहा है। कॉमन रेशो हम इस तरह मालूम करते हैं, ए वन ओवर टू लेस देन वन है, एनर टर्म फार्मूला है। यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करेंगे और कुछ सिंप्लीफाइंग, ये 8 16 तक आ गया। अब ये क्या है, 16 ضرب 8 2 power 7 बनता है। अब 1 over 2 सेम बेस है तो पावर भी सेम होगी, एन इज इक्वल टू 8 आ गया। एन इज इक्वल टू 8 का मतलब ये है, अभी कॉमन रेशो हमारे पास लेस देन 1 है तो हम वो लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला लेस देन 1 वाला है। अगर लेस देन 1 हो तो आर यहाँ आएगा, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये आर यहाँ पे आएगा। अब जब हम पुटिंग करेंगे एन इज इक्वल टू 8 और कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो सम ऑफ 8 टर्म हमारे पास ये आएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो फिर आसान होगा। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ समेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखे, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म्स है और समेशन फॉर्म है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। अब ये कितने टर्म है, यहाँ 1 है, 2 है और आखिर में 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि 6 टर्म का मजमू मालूम करें, ये फार्मूला है। तो यहाँ अब यहाँ कॉमन रेशो वाजे नहीं है कि आर लेस देन वन ग्रेटर देन वन, तो हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों फार्मूलों में से कोई भी। अब यहाँ जब हम पुटिंग करेंगे एक्स पावर 6, तो ये एक्स पावर 6 यहाँ आ गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर 7 होंगे और नीचे वाला उलट होगा, कुछ कैलकुलेशन होगी। अब वो क्यूबिक फार्मूला है, क्यूबिक फार्मूले को हमने लिखा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कैलकुलेशन ये कैंसिल होंगे और फाइनली हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।